लगभग एक माह एक वर्ष पूर्व लक्की चंद्रवंशी ने आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था थाना कोतवाली में कि 1 मई को जब वो शादी में जिस श्याम पैलेस में गए हुए थे उस रात को उनके घर से सोने चांदी के जेवरात करीबन 22 लाख रुपए के और लगभग 7.5 लाख रुपए नगद घर से चोरी हो गया है, जिसके बाद थाना कोतवाली कवर्धा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। उसके पश्चात से लगातार जो है आरोपी की पतासाजी की जा रही थी, जो मुखबिर के जरिए पता चला कि दीपक, प्रफुल्ल और अभिषेक इन तीनों ने मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया है। कुछ फुटेज भी थे उसके साथ भी और प्रूफ हुआ कि उनका शिनाख्ती कराया गया, तो जिसमें पाया गया कि दीपक, प्रफुल्ल और अभिषेक के द्वारा ही ये घटना को अंजाम दिया गया है। जो घटना में जो सोना चांदी इन्होंने चुराया था उसको दीपक ने अपने मामा रवि को दे दिया था, जो जाकर के रतलाम में बेच दिया और उसके पश्चात उससे 10 लाख रुपए भी मिले, उसमें से 1 लाख रुपए खुद रखा और बाकी 9 लाख दीपक को दे दिया था, जिसको उन तीनों ने आपस में, दीपक, प्रफुल्ल और अभिषेक ने आपस में बांट लिया। पूर्व के भी जो 7.5 लाख रुपए थे उसको भी आपस में बांट लिए थे। इसके पश्चात इस इन रकमों से अभिषेक और प्रफुल्ल ने कार और एक स्कूटी भी खरीदा है। दीपक के पास पहले से स्कूटी था, उसका किस्त जो है उस रकम चोरी हुए रकम से पटाया भी है और वो दीपक अपने स्कूटी से इस घटना को अंजाम दिया था। इस प्रकरण में आज तक अभी कुल 6 लाख रुपए लगभग बरामद हुए हैं, साथ ही साथ कुछ सोने चांदी के जेवरात भी बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ जो रवि है, जो दीपक का मामा है, उसकी पतासाजी की जा रही है। जैसे ही वो मिलता है तो टीम को हम रतलाम के लिए रवाना करेंगे, क्योंकि जैसा बताया गया है कि रवि ने रतलाम में जाकर के उस सोने चांदी के जेवरात को बेचा है, तो उसके बाद भी अभी रिकवरी अच्छी रिकवरी हो सकती है, क्योंकि गहना जो सोना चांदी का था उसमें से मैक्सिमम की रिकवरी नहीं हो पाई है। जो पैसा मिला था उसके कारण जो उन्होंने खरीदा था उन सभी सामग्रियों की भी चोरी से जो अमाउंट रिकवर हुआ था उससे उन्होंने सामान खरीदा है, उसकी जब्ती की गई है। तो घटना में आज दिनांक 6 लाख रुपए, कुछ सोने चांदी के जेवरात, 2 कार स्विफ्ट की और 2 स्कूटी इनकी अभी तक जब्ती की गई है। आगे टीम जाएगी रतलाम के लिए रवि को पकड़ के, उसके पश्चात और भी सोना चांदी के जेवरात हैं उसकी बरामदगी की उम्मीदें हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।